भारतीय जैन संगठन के सभी मेंबर्स को मेरा प्रणाम। हमें बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है हमें कि बीजेएस हमारे साथ जुड़ा है, शांतिलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और हम लोग दोनों साथ मिलकर हमारी टीम, आपकी टीम, हम सब एक टीम बनकर हम पानी, महाराष्ट्र में पानी को जो है, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र को सूखा मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस काम में जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े उतना बेहतर है। और जब शांतिलाल जी ने फैसला किया कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारी पूरी टीम को इतनी ताकत मिली, इतनी स्ट्रेंथ मिली। एंड मेरी प्रार्थना है ये कि हम ये काम, जो बहुत बड़ा काम है, हम कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन अगर ऊपर वाले की मर्जी रही तो हम इसको अगले 3-4 सालों में हम कंप्लीट करना चाहते हैं। बिल्कुल, जो लक्ष्य हमने रखा है 3 साल में वो 100% 3 साल का लक्ष्य हम पूरा करें। सत्यमेव जयते वाटर कप, इसको हम 3 से 30 सालों का तक ले जाएं, ये हमारी कोशिश है। और इस क्षेत्र में इतने लोग अलग अलग स्तर पर ये इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनमें हम भी उसमें जुड़ जाएं, ये हमारी कोशिश है। दो चीज़ें हुई हैं जिससे मुझे थोड़ी शक्ति मिली है। एक, डॉक्टर पोल ने डेंटिस्ट्री छोड़ दी, वो हमारे साथ फुल टाइम आ गए। और दूसरा जो हमको शक्ति मिली है वो जब मैं शांतिलाल मुठ्ठा जी से मिला, जब हम इस टॉपिक को लेके मिले, पानी के विषय को लेके मिले, तो शांतिलाल जी इज अ फोर्स टू रेकन विथ। ही इज लाइक अ फोर्स ऑफ नेचर। नेचर का फोर्स होता है ना, उसको आप रोक नहीं सकते, ऐसे शांतिलाल जी का मुझे ऐसा लगता है। तो उनसे जब मिला तो मुझे लगा कि यार शांतिलाल जी अगर हमारे साथ जुड़ जाए ना, तो मतलब हम लोग को बहुत ताकत मिलेगी। जैसे महाभारत में कौरव्स पांडव्स दोनों चाह रहे थे कि कृष्णा हमारे साथ हो जाए, तो पांडव्स को कृष्णा, पांडव्स गए, युधिष्ठिर गए उनके चरणों में बैठे कृष्णा जी के, वो जाके उठे, युधिष्ठिर से पूछा आपको क्या चाहिए, दुर्योधन भी थे वहां पे, तो दुर्योधन को पूरी सेना मिल गई उन कृष्णा की, और कृष्णा जी पांडव्स के साथ आ गए। यहां पे हमें कृष्णा जी भी मिले और पूरी उनकी आर्मी भी मिली। जो हमारी टीम जैसे वैसे बढ़ रही है, हमारी टीम 20-30 लोग थे, अब पूरी बीजेएस हमारे साथ है, तो ये हर कड़ी इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर कड़ी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और हम सबको, मैं, आप, सत्या, डॉक्टर पोल, हम सबको इसमें इक्वली इन्वॉल्व रहना है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से, तभी ये मतलब सॉल्व होगा। और इसकी वजह मैं आपको बताऊं कि पानी जो है ना, जो हमने रिसर्च की, उसमें से सबसे बड़ी बात जो हमको समझ में आई वो ये कि पानी को अगर आपको बचाना है ना, तो समाज को कोई गैप नहीं छोड़नी है। हम में से थोड़ा भी गैप होगा ना, पानी निकल जाएगा। तो गैप हमको बिल्कुल नहीं छोड़नी है दूसरे के अंदर। समाज जब एक होगा ना, तो पानी 101% रुकेगा, 101% रुकेगा। अल्टीमेटली अगर महाराष्ट्र को अपना सूखा मुक्त होना है, तो महाराष्ट्र के हर एक महाराष्ट्रन को, हर एक इंसान को इसमें जुड़ना पड़ेगा, हर एक, हम सबको जुड़ना पड़ेगा। हर एक गांव, 86,000 गांव जो हैं, अगर वो हर एक गांव ये डिसाइड कर लें कि हम इस साल पान लोट का काम करने वाले हैं, तो ये प्रॉब्लम एक साल में सॉल्व हो जाएगी। मी भारतीय जैन संघटनेचा कार्यकर्ता म्हणून सहभागी होण्याची मी शपथ घेत आहे।